हिमाचल के पैराग्लाइडिंग साइट बिलिंग से पिछले 6 दिन से लापता दिल्ली निवासी पायलट का भी कोई सुराग नहीं मिला है। शुक्रवार के बाद दोपहर बिलिंग से उड़ान भरने के बाद आज जालसू जोत की तरफ जाते देखा गया था। शनिवार और रविवार को उसके परिजन की ओर से निजी रूप में मंगवाए गए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया, मगर आज सुबह से 2 बार ट्राई करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं प्रशासन ने कहा कि अब जो 7 रेस्क्यू टीमें आई हैं उनकी ओर से कोई जानकारी मिल सकती है, मगर सुबह फिर एयरफोर्स के लिए हेलीकॉप्टर दोबारा पहुंच गया, लेकिन आज भी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी बीच प्रशासन ने कहा था बिलिंग से बुधवार को टेंडम उड़ाने शुरू हो जाएंगे, मगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के आने से किसी भी टेंडम ने उड़ान नहीं भरी। अब वीरवार से बिलिंग से टेंडम उड़ाने शुरू होंगी या नहीं, इसका पता शाम को ही चल पाएगा। इस मामले में पैराग्लाइडिंग और सारा के सुपरवाइजर रणविजय ने बताया कि लापता पायलट को ढूंढने के सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की पूरी टीम कब तक हेलीकॉप्टर से दोबारा उड़ान भरते हैं और कब तक लापता पायलट की तलाश कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं।